तो यार एक दो दिन पहले Xiaomi की तरफ से MI 11 स्मार्टफोन के कुछ ऑफिशियल कलर्स रिवील हुए। इसमें पर्पल, ब्लू, ब्लैक और ग्रे कलर्स अवेलेबल होंगे। इसके बाद Xiaomi की तरफ से ऑफिशियली MI 11 की इमेजेस और एक वीडियो शेयर की गई। बॉक्स के साइज को देख के कुछ पुराना याद आ गया। इस बॉक्स का साइज एप्पल के आईफोन 12 के बॉक्स के साइज इतना ही है। Xiaomi के इस पोस्ट के बाद MI 11 के बॉक्स को लेकर काफ़ी सारे सवाल सामने आए, बट कल Xiaomi ने खुद ऑफिशियली ये अनाउंस कर दिया है कि MI 11 के साथ आपको चार्जर नहीं मिलने वाला। यस, जी हाँ, Xiaomi ने भी एप्पल और सैमसंग वाला रास्ता पकड़ लिया है, क्योंकि अब सैमसंग भी S21 सीरीज़ के साथ चार्जर नहीं देने वाला। बट अगर सैमसंग और Xiaomi ऐसा कर रहे हैं, फिर ये क्या था? और ये क्या था, मतलब जैसे एप्पल ने आईफोन में से हेडफोन जैक हटा के एक नई चीज़ शुरू कर दी थी और सबने इसे कॉपी करना स्टार्ट कर दिया था, वैसे ही एप्पल ने अब 2020 में एक और ट्रेंड स्टार्ट कर दिया है और धीरे धीरे सभी कंपनीज ने इसे कॉपी करना भी स्टार्ट कर दिया है। और 2021 में सैमसंग और Xiaomi के अलावा और भी कंपनीज ऐसा कर सकती हैं। वैसे आपको बता दें कि एक फेमस टिप्स्टर आइस यूनिवर्स ने इसको लेकर कुछ शेयर किया, जिसमें उन्होंने ये कहा कि हाँ, Xiaomi ने चार्जर कैंसिल कर दिया है, बट Xiaomi और एप्पल अलग अलग तरीके से अपने कंज्यूमर को ट्रीट करते हैं। उन्होंने साथ में ये भी लिखा कि आई विल कीप इट सीक्रेट फर्स्ट, और हमें Xiaomi के CEO की तरफ से इस कन्फर्मेशन का वेट करना चाहिए। मतलब पता नहीं इसके बाद कौन सा सीक्रेट रह जाता है। खैर, पता नहीं सभी स्मार्टफोन कंपनीज को एकदम से एनवायरनमेंट को लेकर इतनी चिंता कैसे होने लगी। तो यार आप बताना नीचे कमेंट करके कि आप क्या सोचते हैं Xiaomi और ब्रांड्स के बारे में, जो फ़ोन के साथ एक बेसिक सी चीज़ चार्जर ही नहीं दे रहे हैं। तो बस यार इतनी इन्फॉर्मेशन आपके साथ इस वीडियो में शेयर करनी थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, ऐसी और वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।